हेलो एवरीवन, आज दिल बहुत ही दुखी है और आप सबको बताते हुए बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारे बीच कार्यरत मार्किज ओमकार, जो पिछले 2 साल से हमारे साथ कर्नाटका कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर में जो ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे पिछले 2 साल से काम कर रहे थे, और कल इवनिंग में एक शॉकिंग सी न्यूज़ देखने को मिली कि वो अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ डिनर के लिए गई और पैदल ही जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक बस वाले ने बहुत तेज़ी से उनको रोड पे पैदल चलते एक टक्कर मारी, और जिसके कारण सड़क दुर्घटना में वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें उनके जीजा जी की डेथ तो कल इवनिंग में ही तुरंत हो गई थी, लेकिन वो बड़े संघर्षों से बीत रहे थे, उनकी सांसें चल रही थी। आज मॉर्निंग में उन्होंने लास्ट सांस ली, जो कि बहुत ही दुखद है, और मात्र 21 साल की एज में हमें छोड़कर जाना ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है, और आज मतलब बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। एक होनहार लड़का जो पिछले कई सालों से हमारे साथ दिन रात मेहनत करके मार्केट तक पहुँचा, अपने ब्रांच को रन करने लायक बना, और इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचा, और एक लो फैमिली से अपने आप को अपग्रेड कर रहा था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और मैं इंडोनेशिया की ओर से, इंडोनेशिया के पूरे परिवार की ओर से उनके को भगवान से प्रार्थना करता हूँ को उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और परिवार को जो दुख का समय है, दुख की घड़ी है, उनको इस दुख की घड़ी में संभलने का और एक क्षमता उनको दे, एक उनको एनर्जी दे, एक ऊर्जा दे कि इस दुख की घड़ी में आसान नहीं है, ये दुख की घड़ी में अपने इतने छोटे से बीच को खोकर इस चीज़ को भूलना, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को हिम्मत दे, और हम सब लोग हमेशा उनके परिवार के साथ हैं। अभी इनिशियली इंडोनेशिया की तरफ से हम उनके परिवार को इनिशियली यानी कि प्रारंभिक रूप से 1 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं, और जो भी आईडी पे वो जिस ब्रांच को रन कर रहे थे, उनके फैमिली मेंबर जो भी उस ब्रांच ऑफिस को रन करना चाहेंगे, उनके नॉमिनीज को हम उस आईडी को ट्रांसफ़र करेंगे, और भविष्य में भी हर संभव प्रयास करेंगे उनके परिवार को मदद पहुँचाने की। आज बहुत दुखद न्यूज है, और मैं चाहूँगा कि जितने भी ब्रांच ऑफिसेस हमारे हैं, 2 मिनट का हम सब लोग अपने ब्रांच ऑफिसेस में उनके लिए मौन रखेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।